40 का मतलब 40 नहीं होता, एक चीज और समझो यार, आई गेस तुमने प्लेसमेंट वाली स्पेशल क्लास अटेंड की थी जहाँ पे मैंने प्लेसमेंट एक्सप्लेन की थी। भाई भाई फॉलो कर लो मेरे को इंस्टाग्राम पे, मैं बीच बीच में क्लासेस डालता हूँ, ठीक है। मान लो अगर एक कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है एक्स वाई जी, वो तुम्हें आज के दिन 40 लाख का पैकेज दे रही है, या मान ले 40 क्यों ले रहे हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं, 45 लाख का पैकेज दे रहे हैं। ऐसी मल्टीपल कंपनीज मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ जिनका फर्स्ट ईयर पता है क्या पैकेज 45 लाख, सेकंड पता है क्या है 17 लाख, सेकंड ईयर से तुम्हारा पैकेज 17 लाख है। क्योंकि होता क्या है इस 45 में, मैंने एक वीडियो बनाया था, आई गेस मेन चैनल पे डाला था या कहाँ, दो या अपनी कक्षा पे डाला था शायद, मैंने तुम्हें बताया होगा कि आपके ईसॉप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, बेसिकली स्टॉक का पैसा होता है जो कि 4 साल में बांट देंगे कि ओके भाई पता चला कि यार 18 लाख के करीब हैं वो ईसॉप हैं, जिनमें से 5% आपको पहले साल मिलेगा, 10% आपको दूसरे साल मिलेगा, 15% तीसरे साल मिलेगा, और बचा हुआ जितना भी परसेंट है वो 4 साल अगर आप उस कंपनी में काम करते हो तब जाके मिलता है। तो आपका असली साल से जो आप अगले साल से जो आपका CTC होता है वो 17 लाख ही होता है, चीज समझ में आ रही है। कुछ तो ऐसी कंपनी भी मैं जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको भी XYZ ले लो, उसमें अगर तुम पहले साल में काम कर रहे हो ना, तो तुम्हारी मान लो जो पैकेज है वो है 22 से 27 के बीच में, और जब थर्ड ईयर में काम कर रहे हो ना, तुम्हारी सैलरी फर्स्ट ईयर से कम है। मतलब 3 साल बाद जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी सैलरी फर्स्ट ईयर में जो उसकी थी उससे कम है, ठीक है। तो इनिशियली कंपनीज रखती हैं अपना ऐसे ज्यादा, देखो हम कितना पैसा दे रही हैं। रियलिटी ये है कि अच्छी से अच्छी कंपनी तुम्हें 1 लाख के आगे पीछे कुछ देगी, 1.25 लाख, मतलब 80,000 से 1.25 लाख के बीच में सारी निपट जाएंगी। फिर 2-3 कंपनीज हैं, 2-3-5 हद से हद, जो कि आपको भाई ऊपर जाएंगी, 1.5 लाख जाएंगी या 1.7।